यूपी के बदायूं में एक और आयशा दहेज का शिकार हो गई है। यहां दहेज के लालच में डूबे ससुराल वालों के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल निकाह से इनकार होने के बाद सकते में आई युवती ने अपने घर में फंदे से लटककर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने समेत दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस नामजद की तलाश कर रही है। ये घटना उझानी कोतवाली इलाके के गांव सकरी जंगल की है। यहां रहने वाली मरियम ने अपनी बेटी शमा का निकाह 2 महीने पहले गांव के ही अपने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने रविवार शाम दोनों पक्षों को समझाकर मामला रखा दुप्त करा दिया है। मुझे हर कीमत पे इस लड़के की सजा चाहिए, इसकी सजा चाहिए मुझे हर कीमत। मेरी बहन गई, पुलिस में आपने शिकायत की है इसकी? जी, दर्ज कर दी। रात भी आई पुलिस और सुबह भी आई पुलिस। पुलिस से लड़की कह चुकी थी हम फांसी लगा, पुलिस ने कोई एक्शन जवाब दिए हमने। अब तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ पोस्टमार्टम को उठा के ले गई पुलिस। जब पुलिस यहाँ पे जब पुलिस आई थी तो उसके कितनी देर बाद ये घटना घटी? ये 2 घंटे बाद हुआ। ऐसा प्रधान भी थे गांव के, 2 घंटे हटे प्रधान को, पुलिस को 2 घंटे हुए यहाँ से हटे, उसके बाद ये घटना हुई है। सिर्फ 2 घंटे प्रधान का क्या नाम है? प्रधान बीच में पड़े। प्रधान को 15 दिन से ये मैटर मालूम था, दोनों तरफ कहना सुनना चल रहा था प्रधान का, उनको पूरा मैटर मालूम है इसका। और लड़की ने प्रधान से सारी बातें खुला कह दी थी, हम फांसी लगा लेंगे, ये है वो है, ये जहर खा लेंगे, पूरी बात ऊपर रही होगी। बिल्कुल ये बात सही है। और इस लड़के ने प्रेम जाल में फंसाने के बाद धोखा दिया मेरी बहन को, इसके चक्कर में जान गई है, मैं जान के बदले जान चाहिए। इस लड़के को उम्र कैद सजाए मौत चाहिए। क्या नाम है लड़के का? लड़के का अतीक नाम है। पिता का नाम? पिता का नाम सकीन है। गांव का ये? सकरी जंगल। सही बात है, बिल्कुल जोर गया। इधर सोमवार को भी अतीक नहीं माना तो गांव के लोगों की पंचायत बैठी। पंचायत के दौरान युवक और युवती को भी बुलाया गया। परिजनों के मुताबिक अतीक ने भरी पंचायत में निकाह से इनकार किया तो युवती वहां से घर चली गई और कमरे में जाकर फंदे पर लटककर जान दे दी। परिजन पीछे से घर पहुंचे तो वहां उसका शव लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।